हेलो माय डियर क्लास ऑफ सेवेंथ स्टैंडर्ड। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो सबसे पहले आपको ना 5.3 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो आपको यहाँ पर ना हाफ एंड मोर लेना है दोनों साइड से, और ऊपर नीचे एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसको जॉइंट कर देंगे। सेगमेंट और बाइसेक्टर को भी नाम दे देंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट लिखेंगे हम, इस तरह से लिखेंगे, लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है 6.7 सेंटीमीटर का, तो बीच में 5 वाला जो मार्क है इससे आपको प्लस 2 करना है, मतलब 6.7 सेंटीमीटर पर हाफ एंड मोर लेकर दोनों साइड से एक एक आर्क ऊपर नीचे ड्रॉ करेंगे, इसको कट करेंगे और बीच के सेंटर पार्ट को मिला तो देंगे। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, लाइन एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट क्यू पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3.8 सेंटीमीटर, तो इसका स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं, लाइन ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट आर एस। नेम आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ गिवन मेजर्स एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। तो फर्स्ट आपका एंगल का मेजरमेंट दिया है 105, तो सबसे पहले आपको डी पर ले लेना है 105, और बीच में हाफ एंड लेस लेकर दोनों लाइन पर आपको ना एक आर्क ड्रॉ करनी है, और उस आर्क को मिलाएंगे हम पॉइंट से, तो जो भी रे रहेगी उसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल रहेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन एंगल 90 दिया है आपको, रे एम पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पहले हमें ना ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे और इसके तीनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से आपको सेकेंड है ना राइट एंगल ट्राइंगल का भी करना है, तो इसको आप 90 पर लेकर इसके तीनों साइड, तीनों एंगल के साइड्स को एक एक आर्क बनाकर ऐसा ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को एंगल से आंसर के स्टेटमेंट में लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल लाई इन द इंटीरियर। इसके अंदर के पार्ट में जो है वो कॉन्करेंस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एंगल का देखा था, अब हम लोग लाइन सेगमेंट देखेंगे, मतलब आपको ट्राइंगल बनाना है और उस ट्राइंगल पर लाइन पे हम जो बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है और उसको लाइन्स को हम बाइसेक्ट करके जहाँ भी पॉइंट, मतलब तीनों साइड्स के पॉइंट मिलेंगे, वही हमारा जो रहेगा वो कॉन्करेंस रहेगा। इसके स्टेटमेंट में लिखेंगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस सी लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। तो अपना नेम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरा सी जो है वो पॉइंट कॉन्करेंस। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5, मैथाली शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन दिस सिटी, देयर इज अ टॉय शॉप equidistant from their houses, which geometrical construction should be used to represent this, explain your answer। तो सबसे पहले आपको ना एक रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है इस तरह से। इसमें ना एक्यूट एंगल ड्रॉ करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तीनों साइड्स को आपको ना बाइसेक्ट करना है। तो इसमें ना आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो आंसर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।